नमस्कार, मनी गुरु की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ स्वाति रायना। आज हमें बताएंगे तेजी के बाजार में क्या रहे आपकी निवेश स्ट्रेटजी, क्या ये पोर्टफोलियो में निवेश बढ़ाने का है समय, SIP निवेशक अभी क्या करें और छोटे लंबी अवधि के लक्ष्यों की प्लानिंग कैसे करें। साथ ही चर्चा करेंगे सभी के म्यूचुअल फंड लाइट फ्रेमवर्क की, जिससे पैसे फंड लाना अब AMCs के लिए होगा और आसान। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है प्रवीण वाजपेयी, फाउंडर फिनफिक्स, और प्रतिभा गिरीश, फाउंडर फिनवाइज। बहुत स्वागत करते हैं प्रतिभा और प्रवीण आप दोनों का हमारे साथ मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। बाजार में काफी धुआंधार अच्छी हमने तेजी देखी है पिछले कुछ दिनों से, और जब ऐसा एक माहौल बनता है बाजार में तेजी का तो निवेशकों के चेहरे पे भी मुस्कान आ जाती है, एक कुछ एक्स्ट्रा रिटर्न की वो आस उनको आती है कि अब हम बाजार से और पैसा कमा सकते हैं। पर चाहे तेजी का बाजार हो चाहे गिरावट का बाजार हो, हर बाजार में एक अनुशासित निवेश करना काफी ज्यादा जरूरी होता है। पहले बाजार की तेजी में जो निवेश की स्ट्रैटेजी रहे अभी माहौल ताजा माहौल को ध्यान में रखते हुए प्रवीण, तो क्या करना चाहिए, पहला स्टेप क्या रहे? नमस्कार। बिल्कुल स्वाति जी, आई थिंक इट्स 20,000 के लेवल्स को हमने वापस टच किया है सितंबर के बाद। आज इंडिया का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 4 ट्रिलियन डॉलर्स टच हुआ है। सो मेरे ख्याल से ये एक टाइम है जब इन्वेस्टर्स को ऐसा लगता है कि मार्केट में बहुत तेजी आ रही है। तो दो तरीके के इन्वेस्टर्स अक्सर उभर के आते हैं। एक वो जिनको लगता है कि अब जल्दी से हम पैसा डाल दें बिकॉज हम कहीं इस रैली के उसका बेनिफिट ना ले पाए, हम कहीं पीछे छूट ना जाएं, तो एक फोमो का इफेक्ट आता है और कई निवेशकों को ये लगने लग जाता है कि शायद बहुत ऑलरेडी मार्केट ने तेजी देख ली है तो पैसा निकालने का समय है। बट एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मेरे ख्याल से बहुत, जैसे अभी आपने बोला, एक जो डिसिप्लिन है और जो आपकी आईज है वो आपके गोल्स पे होनी चाहिए। तो आपके माइंड में आपका लक्ष्य बहुत क्लियर होना चाहिए कि आप किस चीज के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आप उसके हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखें। कई बार नो एक्शन इज द बेस्ट एक्शन, यानी कि मार्केट में लोज और हाईज आते रहेंगे तो बिना किसी एक्शन के अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कंटिन्यू करना मेरे ख्याल से एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। दो तीन सूरतें हैं जहां पे निवेशक ये सोच सकते हैं कि शायद उनको अपना कुछ चेंज करने की जरूरत है, और वो तभी है अगर आपका कोई गोल फुलफिल हो रहा है, उसकी टाइम पूरा हो रहा है और आपको पैसे की जरूरत होने वाली है, तो आप डेफिनेटली अपना पैसा धीरे धीरे निकालना शुरू करें। सेकेंड मेरे ख्याल से स्वाति जी, अगर आपका एसेट एलोकेशन बहुत ज्यादा इक्विटी की तरफ इस टाइम मूव हो चुका है, जो ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स के केस में हम लोग नहीं देखते हैं, तो तब डेफिनेटली आप उसको ठीक करने के लिए थोड़ा सा मूवमेंट कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। और तीसरा कि अगर आपको लगता है कि आपके पोर्टफोलियो को किसी तरीके के रिव्यू की जरूरत है, बहुत ज्यादा स्कीम्स हैं और थोड़ा डीक्लटर करने की जरूरत है, तो ऐसे में भी आप अपने निवेश से थोड़ा पैसा निकाल के रीएलोकेशन कर सकते हैं। बट अदरवाइज अगर आपका लंबे समय का टाइम पीरियड है इन्वेस्टमेंट्स का, तो आप जैसे अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कंटिन्यू कर रहे करिए। और ये सिर्फ एक मेरे ख्याल से शुरुआत है इंडियन मार्केट्स की। हम अगर 2019 जब तक हम अपने इंडिपेंडेंस के 100 साल पूरे करेंगे, मोदी जी ने जो इंडिया के लिए एम्बिशियस टारगेट सेट किया है कि हम एक डेवलप्ड इकोनॉमी होंगे, EY की रिपोर्ट बोलती है कि हमारा GDP करीबन 25 ट्रिलियन होगा विद पर कैपिटा इनकम ऑफ $15,000। तो स्वाति जी, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग एंड अपने इन्वेस्टमेंट्स को एक डिसिप्लिन तरीके से कंटिन्यू करना आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो निवेशकों को करनी चाहिए। बिल्कुल, तो बाजार के किसी भी चाल में कुछ डूज और डोंट्स रखना चाहिए। प्रतिभा, एलोकेशन भी काफी इम्पोर्टेंट है। कई बार हम कुछ एसेट एलोकेशन करते हैं बाजार की चाल के हिसाब से या उसके उतार चढ़ाव के हिसाब से, कई बार हमारा एसेट एलोकेशन बिगड़ भी जाता है। क्या अभी एसेट एलोकेशन को रिव्यू करना का सही समय है? अभी एसेट एलोकेशन का सही तरीका क्या होना चाहिए ऐसे बाजार में? जैसे उन्होंने बहुत खूबसूरती से प्रवीण जी ने बताया, एसेट एलोकेशन अगर ठीक करना है तो ये बेस्ट टाइम है जब वैल्यूएशन अच्छे होते हैं, तो एसेट एलोकेशन को सुधारें। एसेट एलोकेशन जब शॉर्ट टर्म नीड्स जो होती है उसके लिए आप डेट में इन्वेस्ट करेंगे और लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी में,
टैक्टिकल एसेट एलोकेशन कभी भी गलत हो सकता है. तो अगर आपने कस्टमाइज फाइनेंशियल प्लान के हिसाब से अगर आप कर रहे हो, आपने लॉन्ग टर्म नीड्स इक्विटी में है और आपने तय किया हुआ है कि आपका इक्विटी परसेंटेज होगा 70, और ये टाइम पे आपको पता चल रहा है कि 70 का 80 या 90 हो गया, तो उसको कम करना ये बहुत अच्छा मौका है ये एसेट एलोकेशन को सुधारने का. आमतौर पर जब एसेट एलोकेशन बोलते हैं तो हम सिर्फ इक्विटी डेट सोचते हैं, लेकिन ये भी तो आपको सोचना है कि इक्विटी के अंदर जो है आपका लार्ज कैप कितना है, मिड कैप कितना है और स्मॉल कैप. हाल ही में आपने देखा कि स्मॉल और मिड कैप का रनअप बहुत अच्छा हुआ है. अगर आपने पहले डिसाइड किया है कि आपका 60% या 2/3 ऑफ योर पोर्टफोलियो विल बी लार्ज कैप और अभी की रनअप की वजह से वो कम हो गया, तो इट्स ऑल्सो अ गुड टाइम कि आप थोड़ा वो मार्केट कैप को भी अपने एसेट एलोकेशन डिसाइडेड के हिसाब से वापस बैलेंस कर दे. दिस इज अ फैबुलस अपॉर्चुनिटी टू देयर. एब्सोल्युटली. तो एसेट एलोकेशन को रिव्यू करना या अगर रीबैलेंस की जरूरत, रीबैलेंसिंग की कोई किसी भी किस्म की जरूरत है उसको ध्यान में रखें. जो शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के लक्ष्य है प्रवलीन, ऐसे में क्योंकि शॉर्ट टर्म के लक्ष्य काफी ज्यादा इंपैक्ट होते हैं ऐसे किसी भी मूवमेंट से, तो शॉर्ट टर्म हो गया एंड देन मीडियम टर्म के लिए आपको क्या ख्याल रखने की जरूरत है जिन निवेशकों के शॉर्ट और टू मीडियम टर्म के लक्ष्य है इस वक्त? जी स्वाति जी, हमारे पास भी बहुत निवेशक है जिनके पास कई बार वो आते हैं, वो कहते हैं हमें एक साल का ही पैसा लगाना है. तो ऐसे में अगर आपका कोई नियर टर्म होराइजन है 1 से 3 साल का, तो मेरे ख्याल से आप उस टाइम पे इक्विटी से थोड़ा दूर रहें. 3 साल में आप तो भी शायद एक 10 से 15% का इक्विटी रख सकते हैं, पर ज्यादातर आपका जो पूरा पोर्टफोलियो है वो ऐसे में फिक्स्ड इनकम में ही होना चाहिए, बिकॉज जो प्रेडिक्टेबिलिटी है रिटर्न्स की वो आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, और आपको अपने कैपिटल एप्रिसिएशन से ज्यादा आपको अपनी कैपिटल की सेफ्टी का ध्यान देना है, बिकॉज आपके लक्ष्य पास है. इसलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा एडवेंचरस इन्वेस्टमेंट्स निवेशकों को नहीं करने चाहिए, और स्पेशली जब मार्केट्स जैसे आज हम देख रहे हैं कि मार्केट जब बहुत रफ्तार पकड़ती है अक्सर ऑप्टिमिज्म बहुत बढ़ जाता है इन्वेस्टर्स में, एंड तब हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा ग्रीडी होके हमें लगता है कि कोई बात नहीं हम रिस्क ले लेते हैं. तो मार्केट कंडीशंस के हिसाब से आप अपना रिस्क एपेटाइट ना बदलें. आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है उसके साथ अगर आपका 1-2 साल का ही होराइजन है तो आप वहां ज्यादा रिस्क ना उठाएं, बिकॉज आपको अपने पैसे को सेफ रखना बहुत जरूरी है. पर जहां पे हमारे पास 3-5 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट होराइजन आ जाता है, मेरे ख्याल से वहां पे हमारे पास थोड़ी अपॉर्चुनिटी हो जाती है कि हम फिक्स्ड इनकम से थोड़ा बाहर निकल के पार्शली इक्विटी एंड पार्शली डेट में एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं. एंड मेरे ख्याल से हमारे पास बहुत खूबसूरत प्रोडक्ट्स हैं विद इन द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, जैसे कि बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स हो गए, जो मार्केट के अनुसार जो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है, मोमेंटम क्या है मार्केट्स में, बहुत सारे फैक्टर्स के बेसिस पे अपना इक्विटी का जितना परसेंटेज उनको इन्वेस्टमेंट रखना है उसको डिसाइड करते हैं स्वाति जी. एंड जो रिमेनिंग है आपका डेट में होता है. मार्केट में अगर एकदम गिरावट आई तो वो अपने आप आपका जो पैसा है वो फिक्स्ड इनकम से इक्विटी में डाल देते हैं, और उसका विपरीत भी करते हैं अगर मार्केट्स बहुत रफ्तार पकड़ लेती हैं. तो मेरे ख्याल से अगर 3 से 5 साल का आपका एलोकेशन का होराइजन है तो आप डेफिनेटली बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स को देख सकते हैं. और अगर अभी हम डिफरेंट बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स को देखें तो हम ये देखेंगे करीबन 35 से 55% के बीच में ही सबका एलोकेशन है. सो अप्रोक्सीमेटली आप 45-50% होल्ड किया हुआ है एक अगर हम कैटेगरी एवरेज निकालें इस टाइम पे बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स का, यानी कि 50% वो फिक्स्ड इनकम में है इस टाइम पे, 60% इक्विटी में है, और उसी तरीके के वो रिटर्न्स भी देते हैं. तो आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशंस जो इस तरीके के फंड से हैं वो FD प्लस 2 या 3% होना चाहिए. तो आप करीबन एक मॉडरेट रिस्क लेते हुए रिटर्न एक्सपेक्टेशंस मेरे ख्याल से 10% के करीब की रख सकते हैं यहाँ पे, जो इन फंड्स ने हिस्टोरिकली दिया है. और यहाँ पे आपका रिस्क भी थोड़ा सा बैलेंस्ड है और आपके रिटर्न्स भी डेट और इक्विटी के बीच के आपको मिल सकते हैं. एब्सोल्युटली. तो बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, इक्विटी और डेट दोनों का तालमेल ऐसे किसी फंड में होता है. खासियत समझाई प्रवलीन ने. प्रतिभा, बैलेंस एडवांटेज में भी क्योंकि जैसा प्रवलीन बता रही थी, क्योंकि जो नेट इक्विटी का परसेंटेज है वो वेरी करता है, मतलब
एज लो एज 30% भी है, एज हाई एज 80% भी है। तो एक निवेशक के लिए कितना परसेंटेज ऑफ इक्विटी में उसको निवेश रखना है या कितना डेट में रखना है, वो ऐसे किसी हाइब्रिड वाले बैलेंस एडवांटेज फंड में वो कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं? प्रतिभा, अगर वो बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी चुनते हैं तो वो फंड मैनेजर तय करेंगे बेस्ड ऑन मेनी फैक्टर्स, जैसे मोमेंटम का कोई फंड होता है, कोई पी के ऊपर होता है, कि उस टाइम पे उस फंड में कितना उनका इक्विटी वर्सेस डेट होगा। अगर ये अगर वो सोचते हैं कि हमें हाइब्रिड चाहिए लेकिन ज्यादा कंजर्वेटिव नहीं चाहिए, तो उसके लिए भी है कि वो हमेशा 65% इक्विटी में रखेंगे। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन ये है कि हाई वैल्यूएशंस में क्या करना चाहिए, तो हमारा मकसद जो होना चाहिए मिड टर्म के लिए कि वॉलिटिलिटी कम हो और रिटर्न्स बेटर देन डेट मिले, उसके लिए बैलेंस एडवांटेज इज अ गुड स्टोरी एंड उसमें बेटर रिटर्न्स मिलेंगे और वॉलिटिलिटी अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप अग्रेसिव हाइब्रिड चुनोगे तो आपको 65% इक्विटी जरूर मिलेगा लेकिन उसके साथ आपका वॉलिटिलिटी है जो है वो थोड़ा बढ़ जाएगा, तो इट काइंड ऑफ डिफीट्स द पर्पस। सो यू हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाइब्रिड, यू कैन डू बैफ बैलेंस एडवांटेज, यू कैन डू अग्रेसिव हाइब्रिड, यू कैन ऑल्सो डू मल्टी एसेट फंड। की अभी आपको लग रहा है कि अपार्ट फ्रॉम डेट एंड इक्विटी लेट्स डू सम गोल्ड, यू कैन ऑल्सो डू अ मल्टी एसेट फंड एंड विल ऑल्सो गिव यू एफडी बीटिंग रिटर्न्स ओवर द मीडियम टर्म। बिल्कुल। और जो पुराने निवेशक हैं प्रवीण, जिनका लंबी अवधि का एक लंबा 10 से 15 साल का होराइजन है, जिन्होंने मार्केट के कई साइकिल देख लिए और आने वाले टाइम में देखेंगे भी, उनको तो शायद ज्यादा कुछ बदलाव करने की जरूरत नहीं है, मतलब छेड़छाड़ करने की जरूरत ही नहीं अभी पोर्टफोलियो में, तो मेन फोकस क्या रहना चाहिए अभी? बिल्कुल, मेरे ख्याल से स्वाति जी, जहाँ पे उनका ऑनगोइंग इन्वेस्टमेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा टाइम है। जब इंडियन इकोनॉमी के मैक्रो इकोनॉमिक्स अगर हम देखें, हमारी ग्रोथ स्टोरी देखें, हम इस टाइम पे सबसे फास्ट मूविंग ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है, हम 6.5 से 7% के ग्रोथ पे हैं। एंड मेरे ख्याल से जब एक ग्लोबल इन्वायरमेंट थोड़ा मिक्स्ड है, एक तरफ हमने इसराइल वॉर देखी है, हमने रशिया और यूक्रेन के क्राइसिस देखे, हमने पीछे एनर्जी क्राइसिस देखे हैं, नेक्स्ट ईयर चैलेंजिंग होगा, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस है यूएस में, इंडिया में इलेक्शंस है, इस पूरे सेटअप के बीच में जब एक हमारी कंट्री की इकॉनमी अच्छा कर रही है, मार्केट्स अच्छा कर रहे हैं, यहाँ पे अगर कोई करेक्शन मिलती है मेरे ख्याल से ऑनगोइंग इन्वेस्टर्स को जिनकी ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट्स है, सो कुछ लिक्विडिटी अपने पास मेंटेन करके मेरे ख्याल से वहां पे पैसा वो ऐड कर सकते हैं इंक्रीमेंटली। और उसके अलावा जो उनके ऑनगोइंग इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको कंटिन्यू रखें, बिकॉज जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं उनमें ये इस टाइप के उतार चढ़ाव बहुत सारे आएंगे, चाहे वो हम 2008 का सबप्राइम क्राइसिस की बात करें, चाहे हम कोविड की बात करें, कोई ना कोई इवेंट आएगा आपकी जर्नी में, इसीलिए यहाँ पे एक SIP बहुत अच्छा हम माध्यम भी बोलते हैं निवेशकों के लिए, कि वहाँ पे आपकी बहुत अच्छी एवरेजिंग हो जाती है। एंड मेरे ख्याल से जो फुलफिलमेंट ऑफ फाइनेंशियल गोल्स है उसी को आप पेड टारगेट बना के चले, एंड जैसे आपने बोला कि बहुत ज्यादा छेड़छाड़ की जरूरत नहीं है, आप इंजॉय करें, आपके रिटर्न्स अगर यहाँ अच्छे लग रहे हैं, पर मेरे ख्याल से किसी भी यहाँ पे करेक्शन को डेफिनेटली यूटिलाइज करते हुए थोड़ा इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट जो हमें करेंट स्ट्रक्चर दिख रहा है इंडिया का ग्लोबल इकोनॉमी के बैकड्रॉप पे, वहां पे उसको यूटिलाइज करना चाहिए। बिल्कुल। और अभी क्योंकि जब भी बाजार एट हाई रहते हैं, बाजार में अच्छा प्रदर्शन है, लोग चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा पैसा बने और ज्यादा से ज्यादा पैसा वो निवेश भी करें। प्रतिभा, अभी निवेश शुरू करने का सही समय? निवेश शुरू करने का तो हर समय सही समय है। अगर आप SIP के तौर पर या STP कर रहे हो, सिस्टमैटिक ट्रांसफर कर रहे हो, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इट्स अ गुड वन। अगर आपने स्टार्ट किया तो ये हमेशा होता है कि जब मार्केट्स अच्छे करता है तो आपको और ज्यादा इन्वेस्ट करने का मन करता है, और अच्छी बात भी है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस ठीक रखें कि शॉर्ट टर्म में हो सकता है आपका इन्वेस्टमेंट्स अच्छा ना करे, हो सकता है वॉलिटिलिटी हो सकता है नेगेटिव रिटर्न्स हो, लेकिन ये पूरा कॉन्फिडेंस के साथ आपको रहना है कि आपके 5 साल या उसके ऊपर के गोल्स में आपको बहुत अच्छा रिटर्न्स मिलेगा। सो एनी टाइम इज अ गुड टाइम एंड बेटर नॉट टू पुट लमसम। लमसम तो हम हमेशा ही बोलते हैं कि अगर आपके पास लमसम भी है वो पूरा आप डेट फंड में डाल दें और धीरे धीरे ओवर
15 वीक्स 20 वीक्स डिपेंडिंग ऑन योर कंफर्ट आप धीरे धीरे इक्विटी में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जब आपका सरप्लस है, जब आपको मन करता है, आप स्टार्ट करें और कभी रुके ना, निवेश करते रहे। बिल्कुल, तो निवेश शुरू करने का कोई सही समय नहीं। जब आपको लगता है कि आपको निवेश शुरू करना है, आपके पास कुछ पूंजी बनाने का समय आ गया है, निवेश की शुरुआत करें और अनुशासन से SIP के जरिए निवेश करना है तो लंबी अवधि का निवेश प्लान होता है सबसे सटीक निवेश प्लान। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम जरा चर्चा आज हम करेंगे म्यूचुअल फंड लाइट फ्रेमवर्क की, क्या असर पड़ेगा इसका पैसिव फंड्स पर, चर्चा थोड़ी देर में, बने रहिए हमारे साथ। वाह डॉक्टर साहब, आप तो जीनियस हो। अच्छा शेयर कौन सा लूं? शेयर? सही सवाल, गलत जगह। सही जगह है ग्लोब कैपिटल, जहां पर आपको मिलेंगे अवार्ड विनिंग रिसर्च बेस्ड आइडियाज, अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने की सुविधा। ग्लोब कैपिटल, मनी मस्ट ग्रो। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। ये शास्त्र है, विज्ञान है, पुरातन का गान है, ये वेदों से मिला हुआ महर्षियों का ज्ञान है। पंच तत्वों की सुगंध, न कोई शक न कोई द्वंद, वात पित्त कफ को जो करता है नित्य खंड खंड। अशुद्धता का भाव भी इसको न छू सके कभी, ये जीवनीय शक्ति है, इसमें न अतिशोक्ति है। आयुर्वेद का ये सार है, आरोग्य का प्रकाश है, ये दिव्य है, अमूल्य है, पतंजलि च्यवनप्राश है। बेदाग चांद, ब्यूटीफुल फ्लोरिंग, वरमोरा, मजा आ गया। न्यू स्टाइल वरमोरा टाइल्स, फ्लोरिंग ब्यूटीफुल बनाने का न्यू स्टाइल। आज हमारे साथ मनी गुरु में चर्चा में शामिल हैं प्रवीण वाजपेयी, फाउंडर फिनफिक्स, प्रतिभा गिरीश, फाउंडर फिनवाइज, और अब बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड लाइट फ्रेमवर्क की, जिस पर सभी आखिरी चरण में हैं। समझना जरा चाहेंगे ये फ्रेमवर्क क्या है, क्यों लाया गया है, और प्रवीण आपसे शुरुआत करें तो म्यूचुअल फंड लाइट फ्रेमवर्क कुछ पिछले कुछ समय से इस पर काम चल रहा है और आखिरी दौर में है ये फ्रेमवर्क। पैसिव फंड्स को लाना अब AMCs के लिए काफी ज्यादा आसान होने वाला है आने वाले टाइम में, क्यों जरूरत पड़ी ऐसे नियमों की? अगर हम पैसिव और एक्टिव इन्वेस्टिंग का एक बड़ा बेसिक कंपैरिजन देखें तो स्वाति जी, पैसिव इन्वेस्टिंग इज सिंपल कि आपने जहां पे एक इंडेक्स को मिमिक करना है, आपको पता है अगर आपने निफ्टी 50 को ट्रैक करना है कि निफ्टी 50 में कौन से फंड्स हैं, आपको किसी तरीके की रिसर्च की जरूरत नहीं है, तो एक सिंपलर प्रोसेस हो जाता है। फंड मैनेजर की जो स्किल है वो लिमिटेड है वहां पे, उनको जितना इन्फोसिस है उतना इन्फोसिस ले लेना है, जितना रिलायंस इंडस्ट्रीज है उतना ही परसेंटेज रिलायंस इंडस्ट्रीज का ले लेना है। यानी कि पैसिव इन्वेस्टिंग अपने आप में एक बड़ा सिंपल तरीका है निवेश करने का, और इस इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए, पैसिव इन्वेस्टिंग को मेरे ख्याल से बूस्ट देने के लिए, जो अभी इंडस्ट्री का सिर्फ करीबन 17% के करीब है, ये रेगुलेशंस में थोड़ा चेंज लाया जा रहा है जहाँ पे हम पैसिव इन्वेस्टिंग को इजी कर रहे हैं। तो जो MF लाइट रेगुलेशंस है, इनके अंतर्गत ब्रॉडली AMCs जो पैसिव इन्वेस्टिंग में आएंगी उनके लिए अप्रूवल्स लेना, जो नए फंड ऑफर आते हैं, आसान हो जाएगा। और इस टाइम पे कोई भी NFO जब अप्रूवल के लिए जाता है तो काफी दिन लगते हैं उसके अप्रूवल पे SEBI से, इसमें शायद वो NFOs के जो अप्रूवल की रिक्वायरमेंट को ही हटाएंगे। फंड मैनेजर्स के ऊपर बहुत स्क्रूटनी रहती है जब उनकी कॉल्स होती हैं, कि क्योंकि एक्टिव फंड्स में वो डिसाइड करते हैं कौन से फंड में कितना एलोकेशन होना चाहिए, पैसिव इन्वेस्टिंग में एक ओपन बुक है कि हमने कौन सा स्टॉक ले रहे हैं कितने परसेंटेज में, तो वहां पे स्क्रूटनी फंड मैनेजर्स के ऊपर कम रखी जाएगी। इसके अलावा जो नेटवर्थ रिक्वायरमेंट है AMCs की, उनमें भी मेरे ख्याल से एक डिफरेंस आएगा। अभी एक करीबन 50 करोड़ का नेटवर्थ होना चाहिए और 5 साल की वो प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन होना चाहिए म्यूचुअल फंड का स्पॉन्सर होने के लिए। इन चीजों को थोड़ा सा आसान किया जाएगा ताकि और एंटिटीज इस इंडस्ट्री में आ पाए, और ये सारी MF लाइट के अंतर्गत जो है वो उनके साथ जुड़ेंगी
और जिन AMCs को इनके साथ जोड़ा जाएगा वहां पे ये डिफरेंट रेगुलेशंस अलोंग विद द मेजर जो रेगुलेशंस है इंडस्ट्रीज की वो चलेंगी, बट ये एक सिंपलर फॉर्मेट है और ये सिर्फ उन्हीं पे लागू होगा स्वाति जी जहां पे सिर्फ पैसिव इन्वेस्टिंग वाली AMCs आ रही हैं, और मेजर जो AMCs हैं अभी वो एक्टिव और पैसिव दोनों करती हैं, और 14 से 15 मेरे ख्याल से AMCs हैं जो अभी सिर्फ एक्टिव इन्वेस्टिंग ही करती हैं, और ग्लोबली अगर हम देखें तो पैसिव्स करीबन 50% है US इकोनॉमी का और इंडिया में पेनिट्रेशन बहुत कम है, तो अगर ये मूव लाया जाता है मेरे ख्याल से उससे पैसिव इन्वेस्टिंग को काफी बूस्ट मिल सकता है। बिल्कुल, इसी पॉइंट से मैं प्रतिभा आपके पास आना चाहती हूँ, क्योंकि एक्टिव फंड का जो यूनिवर्स है पहले से ही बहुत बड़ा है, जैसा प्रवीण भी कह रही हैं कि US के मुकाबले भारत में इसकी बढ़ने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है, और रेगुलेशन काफी हद तक मदद कर सकती है और ज्यादा से ज्यादा पैसिव फंड आने के। पिछले कुछ समय में एक्टिव के मुकाबले पैसिव का प्रदर्शन कैसा लग रहा है और क्या निवेशकों का रुझान आने वाले टाइम में इसे बढ़ेगा आगे? मेरे हिसाब से इंडिया डिफरेंट एक स्टेज पे है विज़वी एक्टिव और पैसिव, और बहुत स्कोप है आज की तारीख में टू बी एबल टू गिव बेटर रिटर्न्स देन इंडेक्स। तो एक्टिव फंड्स जहां पे आप रिसर्च की क्षमता रखते हो या खुद करते हो या फिर आपका एक्सपर्ट एडवाइस मिल रहा है, आप प्रोफेशनल की एडवाइस ले रहे हो, तो आप इट्स वेरी पॉसिबल टू गेट better than index kind of returns. So active is at a different stage in India. Yes, passives are catching on. अगर कोई DIY customer है जो इतना ज्यादा interest नहीं रखते कि वो research नहीं कर सकते कि कौन सा fund actually index को beat कर सकता है consistently over long periods of time, तो उनके लिए it is passives are also good. मेरे हिसाब से इट्स नेवर एक्टिव वर्सेस पैसिव, इट्स एक्टिव एंड पैसिव, कि आपके पोर्टफोलियो में दोनों के लिए अलग अलग एक रोल है। आपका कोर पोर्टफोलियो हो सकता है एक्टिव हो, लेकिन अगर आपको एक मान लीजिए छोटा सा एक्सपोजर लेना है, आपको लगता है मैन्युफैक्चरिंग इज टेकिंग अप इज गोइंग टू गो अप वेरी हाई इट्स गोइंग टू गिव वेरी हाई रिटर्न्स, तो आप पैसिव में वो एक छोटा सा एक एक्सपोजर ले सकते हैं। सो इट्स बोथ, इट्स नॉट आइदर और, यस इट्स कैचिंग ऑन and it is good for investors who don't want to jyada research nahi karna hai, index returns are good, then they should go with passive funds, and it's a good good strategy. Why should only financial plan jo hai wo sirf customized kyun rahe, regulation bhi to customized rehna chahiye, jahan pe intervention hi nahi hai wahan pe simplify kar de, aur zyada innovation aayega passive funds mein, zyada log jud jayenge nivesh mein, ye to bahut achhi baat hai। तो वही सवाल कि एक पोर्टफोलियो में कितना एक्टिव है या कितना पैसिव, क्या प्रवीण इसका क्या कोई जवाब हो सकता है कि पोर्टफोलियो को एक्टिव हैवी रखा जाए या पैसिव हैवी रखा जाए, एक सही बैलेंस क्या हो सकता है इन दोनों स्ट्रेटजीज के बीच का? स्वाति जी, जो कस्टमाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी जब हम पोर्टफोलियो को बनाते हैं, तो एक्चुअली इन्वेस्टर के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, पर अगर मुझे एक ब्रॉडर गाइडलाइन देनी हो, मुझे लगता है कि पैसिव्स एक बहुत बड़ी समस्या को हल करते हैं। निवेशक अक्सर अगर हम पुरानी रिपोर्ट्स देखें, AMFI की रिपोर्ट देखें, तो हम देखते हैं कि जो इन्वेस्टर्स का टाइम पीरियड है किसी इन्वेस्टमेंट में, वो अब बहुत सारे इन्वेस्टर्स का करीबन 2-2.5 साल रहा है, बिकॉज अक्सर इन्वेस्टर्स को लगता है कि वो सही फंड में नहीं है और उस फंड से निकल के एक बेटर फंड को चेस करना शुरू करते हैं। अगर आपने एक इंडेक्स फंड में पैसा डाला हुआ है जो आपको लार्ज कैप या मिड कैप का एक्सपोजर देता है, आपको पता है कि कम से कम आपको मार्केट रिटर्न्स मिल रहे हैं और आप वो चेजिंग थोड़ी कम कर सकते हैं, आपका जो फियर है कि आप बेस्ट फंड में नहीं है, तो आपको ब्रॉडर मार्केट रिटर्न्स मिल जाते हैं। ऐसे में मुझे लगता है अगर आपका टाइम होराइजन करीबन आज अगर हम अब से देखें एक 5 साल का है, तो वहां पे पैसिव्स में भी 20% के करीब हो सकते हैं आउट ऑफ द 100%। जैसे जैसे हमारा इन्वेस्टमेंट होराइजन लंबा होता है, अगर हमारा 10 साल का पोर्टफोलियो है, तो मैं 50-50 कर दूंगी एक्टिव एंड पैसिव को, और ये सेम चीज हम करीबन 20 साल के पोर्टफोलियो तक रख सकते हैं 50-50 एलोकेशन, और अगर हमें 30 साल तक का पोर्टफोलियो बनाना होगा, तो मेरे ख्याल से मैं उसको 70% पैसिव्स और 30% एक्टिव फंड्स रखूंगी, क्योंकि जैसे जैसे इंडिया एक डेवलप्ड मार्केट बनेगा, डेफिनेटली जो आउट परफॉर्मेंस का स्कोप है वो श्रिंक होगा, तो काफी लंबी अवधि के पोर्टफोलियोज में मेरे ख्याल से पैसिव्स का रोल ज्यादा होगा, और अगर हम थोड़े कम समय में देखें तो वहां पे एक्टिव फंड्स आई थिंक विल डू बेटर, एंड स्मॉल कैप्स में अभी भी मेरे ख्याल से एक्टिव फंड्स की तरफ मेरा रुझान है, लार्ज और मिड में आई विल टिल्ट टुवर्ड्स पैसिव,
और इसके साथ डेफिनेटली हम एक एक्टिव फंड जोड़ सकते हैं, जैसे कि मल्टी कैप या लार्ज मिड फंड, जो पैसिव इन्वेस्टिंग की जो शॉर्टफॉल्स है उनको पूरा करता है, जैसे कि वैल्यू इन्वेस्टिंग नहीं कवर करता है पैसिव फंड्स, तो उन चीजों को शॉर्टफॉल्स को एक्टिव फंड्स पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल, तो एक परफेक्ट मिक्स हो सकता है एक पोर्टफोलियो में एक्टिव और पैसिव स्ट्रेटजी का, और कैसा हो वो मिक्स वो प्रवीण ने बताया। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी अपने दोनों ही एक्सपर्ट्स का हमारे साथ आज की चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रतिभा और प्रवीण, थैंक यू सो मच हमारे साथ मनी गुरु में आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए।